नमस्कार, वेलकम टू नमिताज गोल्डन किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बाजार जैसे चटपटे छोले कुलचे, जिसकी कुलचे भी मैं घर में बनाऊंगी और बहुत टेस्टी बनेंगे। आइए देखते हैं कैसे बनते हैं। ये सबसे पहले मैं छोले उबलने को चढ़ा देते हैं। ये एक कप मैंने छोले ओवरनाइट भिगो दिए थे। अब इसको हम इसको उबालेंगे और इसमें एक कप करीब हम इसमें पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक और ये आधा चम्मच करीब नमक और इसको हम इसको बॉईल करने को चढ़ा देंगे। ये हमने गैस पे इसको रख दिया है। जब इसमें चार सीटी आ जाएगी तो हम इसकी फ्लेम जो है लो कर देंगे और 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। जब तक ये छोले हमारे उबल रहे हैं तब तक आइए हम कुलचे का डो बना लेते हैं। देखिए ये हमने ले लिया है 2 कप मैदा है, ये इसको छान के हमने ले लिया है और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे 1 टेबल स्पून करीब शुगर पाउडर, थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून करीब ये हमारा बेकिंग पाउडर और 1 स्पून से थोड़ा सा कम डालेंगे हम बेकिंग सोडा। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, 1 स्पून से थोड़ा कम डालेंगे। ये आएगा हमारा दही, ये हम 3-4 टेबल स्पून करीब डालेंगे। इस दही डालने से बहुत फ्लफी बनेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल, या आप मेल्ट किया हुआ बटर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा और डाल देते हैं। अब जो हम इसको मलेंगे अच्छे से, इसको पहले अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीज़ें हमारी मिल जानी चाहिए। इस तरह से हम इसको मांडेंगे। देखिए मैं दही वगैरह अच्छे से मिल गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको हमें थोड़ा लूजी डो बनाना है, इससे कि हमारा फ्लफी बनेंगे सारे कुलचे। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल और लेके इसको थोड़ा चिकना कर देंगे और फिर इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे। गीला ही रखना है डो और इसको 1 से 1.5 घंटे हम इसको ढक के रख देंगे, उसके बाद हम इसको समेटेंगे। देखिए मेरे ये छोले बॉयल हो गए हैं। इसको मैंने थोड़े से छोले साइड से लेके मैश कर दिए थे, इससे अच्छे से मिक्स हो गए। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए मेरे छोले हैं, हम इसमें क्या क्या आएगा देखिए। इसके अंदर आएगा थोड़े से कटी हुई प्याज और ये थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर और ये इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच हरी चटनी। हरी चटनी की रेसिपी मैं आपको पहले शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। ये 2 चम्मच मैं हरी चटनी डाल दी है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच करीब नींबू का रस। अभी हम इसको और चटपटा बनाने के लिए अब डालते हैं इसमें मसाले। थोड़े से डाल देंगे ये अदरक कटी हुई, थोड़ी सी डाल देंगे हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, ये डाल देंगे थोड़ा सा पहले हरी धनिया। अब डालते हैं इसमें मसाले, ये डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है इसलिए लाल मिर्च थोड़ी डालेंगे। और ये डालेंगे थोड़ा सा आधा चम्मच करीब भुना जीरा और ये डालेंगे नमक, क्योंकि हम छोले में पहले थोड़ा डाल चुके हैं इसलिए नमक थोड़ा डालेंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा डालेंगे काला नमक। और ये हमने धनिया को हमने तवे में भून के उसको पीस लिया था, ये डालेंगे आधा चम्मच करीब। इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और ये डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर। आप इसमें चाहें तो इमली का पानी भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा खट्टा टेस्ट आता है। हमने अमचूर का पाउडर डाला और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। देखिए हमारे चटपटे छोले तैयार हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे।
देखिए एक घंटा करीब हो गया है, अभी हमारा एकदम सॉफ्ट हो तैयार है। इसको थोड़ा सा और मसल के सॉफ्ट कर लेंगे, इसको थोड़ा सा हाथ में ऑयल लेके थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हम डो के ऊपर डालेंगे। थोड़ा सा डो को मसलते हुए बराबर कर लेंगे। चलिए देखो चकले पर रख के हम इसको थोड़ा और बराबर कर लेंगे। अभी हमारा डो एकदम तैयार है, सॉफ्ट डो। अभी देखिए एकदम सॉफ्ट डो तैयार है, अब हम इसके बना लेंगे लोई। थोड़ा बड़े साइज के लेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा डाल के और इसको हम बेलेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा डाले दोनों साइड से, अब हम इसको बेलेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ा सा डालेंगे हरी धनिया, कटी हुई हरी धनिया। और अब हम इसको थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा आटा डाल के अब इसको बेलेंगे। देखिए इसको ज़्यादा हमें ना मोटा बहुत करना है, रोटी की तरह पतला करना है, थोड़ा मीडियम रखेंगे। देखिए हमारे बेल के तैयार है, अब हम इसको डालेंगे तवे पे। तब हमने गैस पे रख दिया था, ये हल्का गर्म हो गया है और हम इसको बिल्कुल अब लो फ्लेम पे कर देंगे। और ये हमारे कुलचे जो हैं एकदम लो फ्लेम पे पकेंगे। ये देखिए हमने डाल दिया, अब हमें डालना है इसके तरफ थोड़ा सा पानी, इसी स्टीम में पकेंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। 2 मिनट के लिए इसको ऐसे कवर करके छोड़ देंगे, फिर इसको पलटेंगे। देखिए कितना अच्छा फूल गया, अब हम इसको पलट देंगे। देखिए अब इसको दूसरे साइड से थोड़ा सा पानी डाल के सेकेंगे। हल्का हल्का पानी डालेंगे, हमें पानी जो है तवे की इसके चारों तरफ डालना है, इसके ऊपर नहीं डालना। अब हम इसको ढक देंगे दूसरे साइड से पकने के लिए। देखिए हमारे कुलचा कितना अच्छा सा फूल गया है, ये दोनों साइड से सिक के एकदम तैयार है, बिल्कुल सीख गया। देखिए कितना अच्छा बना है, फ्लफी एकदम सॉफ्ट। और हम इसको ऐसे बना के सारे कुलचे रख लेंगे और फिर जब हमें खाना होगा तो हम उसको बटर में एक बार तवे में फिर से सेकेंगे। थोड़ा तवे में डालेंगे थोड़ा सा बटर, इसको इसके ऊपर कुलचा रख के इसको सेकेंगे। देखिए कितना अच्छा ही थे बटर से, कितना अच्छा सिक गया है। देखिए और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको। देखिए कितना सॉफ्ट और मुलायम बना हुआ है, तो एकदम ब्रेड की तरह फूला हुआ है। देखिए अब हमारे ये कुलचा बिल्कुल खाने के लिए तैयार है, अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए हमारे चटपटे छोले कुलचे तैयार है एकदम, अब हम इसकी थोड़ी सी करेंगे गार्निशिंग। इसमें डाल देंगे हमने छोले परस लिए हैं और यह है, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऊपर से टमाटर, थोड़ी सी डालेंगे प्याज, यह है हरी मिर्च, हरी मिर्च के साथ आप खाइए। और यह है नींबू डाल के, और देखिए चटपटा छोले कुलचे बिल्कुल तैयार है। ये कुलचे बिना ईस्ट के बिना ओवन के तवे में बनाए हैं, देखिए कितने अच्छे बने हैं। और आप इसको एक बार जरूर ट्राई करिए, बाजार से भी बढ़िया बने हुए, देखिए कितने अच्छे बने हैं चटपटे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, बाय, टेक केयर।